एवरीवन, मैं हूं रागिनी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल तुषा घर संसार में। गाइस, मैं आज आपको साथ शेयर करने वाली हूं दाल मखनी की रेसिपी। एकदम क्रीमी टेक्सचर वाली दाल मखनी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी, वो भी सिर्फ मतलब 1 से 1.5 घंटे में आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। वैसे तो दाल मखनी बहुत अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और इसे जिस तरह से पकाया जाए उसका टेस्ट उतना ही अलग और उतना ही अच्छा आता है। तो चलिए गाइस, मैं आज आपको बताऊंगी एकदम इजी दाल मखनी बनाने का तरीका। तो दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीजें चाहिए वो है ये दो मेन दालें। तो ये जो एक है ये ब्लैक वाली जो आप दाल देख रहे हैं ये उड़द की दाल है, ये साबुत उड़द की दाल है और काली छिलके वाली। और इसके साथ यहाँ पे राजमा लिया है, तो मैंने मतलब 1 कप के लगभग लिया था काली उड़द की दाल और साथ में 1 मुट्ठी के लगभग राजमा, जिसे मैंने ओवरनाइट पानी में सोख करके रखा था। इसके साथ मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जावित्री, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च और छोटी इलायची और बड़ी इलायची, इसके साथ दालचीनी, ऐसे कुछ मसाले मैं इसमें ऐड करी। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। एक्चुअली क्या होता है, जब मसाले हम इसमें ऐड करते हैं इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी आता है। तो आप कोशिश करिए मसाले ऐड करने की, और नमक यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। और इसके बाद इसमें हमने 1 लीटर के लगभग पानी डाल दिया है और इसे हमें अब क्या करना है, कुकर का ढक्कन बंद करके लगभग 5 सीटी आने तक इसे पकाना है। तो इसे पकाने में बिल्कुल घाई नहीं करेंगे, 2 सीटी हाई फ्लेम पे लगाएंगे, फिर 3 सीटी स्लो फ्लेम पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे पका लिया अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो ये जो मसाले आपको ऊपर दिख रहे हैं आप इसे इसी वक्त निकाल सकते हैं। अगर आपको खाने में मतलब इससे डिस्टर्बेंस होगा तो आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नहीं निकाला है। इसके साथ मैंने एक पैन गरम करे रखा है, कढ़ाई गरम करे रखी है मैंने, इसी में मैं दाल मखनी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग मैंने तेल डाल दिया है, आप चाहे तो यहाँ पे घी भी ऐड कर सकते हैं। तेल गर्म होने पे 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा जब चटक जाएगा तो हम इसमें हींग डालेंगे। हींग बहुत मेन इंग्रेडिएंट है इसमें, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये हजम होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए राजमा और उड़द की दाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। तो इसलिए आपको हींग 1 चम्मच ऐड करना है। इसके साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरी मिर्च के साथ पे यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज। वैसे प्याज तो अगर आप चाहें तो प्याज का पेस्ट डाल दीजिए या प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, पर प्याज को डालने से भी बहुत टेस्टी लगता है ये। तो प्याज ऐड करेगा, थोड़ा सा नमक ऊपर से डालेंगे ताकि प्याज जल्दी से पक जाए। और उसके बाद नमक को हम इस प्याज में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो प्याज को हमें भून लेना है लगभग 2 से 3 मिनट तक। और उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 2 चम्मच के लगभग अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इन सभी चीज़ों को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से सूख ना जाए। तो यहाँ पे देखिए ये सारे पक चुके हैं, प्याज अदरक लहसुन मिर्च सब पक चुके हैं। मैं इसमें ऐड करी कुछ मसाले, जिसमें ऐड किया है मैंने हल्दी पाउडर, साथ में धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसमें गरम मसाला पाउडर और उसके साथ लाल मिर्च पाउडर। तो ये जो मसाले हैं ये मैंने अपने हिसाब से ऐड किए हैं, मतलब 1 टेबल स्पून प्लस 1/2 टेबल स्पून के लगभग। और आप चाहे तो मतलब इसे कम या ज़्यादा बिल्कुल अपनी पसंद से कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ दाल मखनी का रेडीमेड मसाला, ये किसी भी शॉप पे बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो 1 चम्मच के लगभग मैंने दाल मखनी का मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। और इन सभी मसालों को प्याज लहसुन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब ये पक जाए 2 मिनट तक इसे पका लेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। तो 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसे मैंने पीस लिया है और इसे इसमें ऐड कर दिया है, साथ में नमक। तो नमक हम पूरा अच्छे से इसमें डाल देंगे। मैंने आपने देखा होगा स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करते हुए नमक डाला, दाल को बॉईल करते टाइम, फिर प्याज के टाइम, और फिर अब मैंने इसमें फाइनली नमक डाला है। तो मैंने नमक की जो क्वांटिटी थी बहुत कम कम रखी है ताकि बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए। और साथ में थोड़ा सा पानी, बहुत ही कम, 1/2 कप के लगभग पानी और फ्रेश हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। और अब हमें इसे मिक्स करके ढक के पकने देना है लगभग 5 मिनट तक। तो हाई फ्लेम पे मैंने यहाँ पे इसे 5 मिनट पका लिया है। तो देखिए मसालों पे से तेल जो है वो ऊपर आने लगा है। एक बार और इसे मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है बॉयल दाल, जो हमने दाल उबाल ली थी वो दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें जो हमने मसाले डाले आप उसे निकाल सकते हैं, पर मैंने नहीं निकाला है क्योंकि उसकी वजह से फिर थोड़ा सा इसका टेस्ट अलग हो जाता है, मतलब वो बीच बीच में मुंह में आ जाता है। तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं या आप चाहे तो एक पोटली बांध के भी इन मसालों की इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 10 मिनट तक लगभग हाई फ्लेम पे पकने दिया था और इसे मैंने ओपन कर लिया है, ओपन करके मिक्स कर दिया है। अब मैंने इसमें डाला है 1 बड़ी चम्मच के लगभग बटर या 2 चम्मच के लगभग बटर। और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ अमूल फ्रेश क्रीम। तो बिना क्रीम के दाल मखनी का तो कोई स्वाद ही नहीं है। तो यहाँ पे ढेर सारी क्रीम, मतलब 3 चम्मच के लगभग मैंने इसमें अमूल फ्रेश क्रीम डाली है, साथ में 2 चम्मच के लगभग बटर डाला है। और इन सभी को हम मिक्स करके इसे ढक देंगे और ढक करके हम इसे 30 मिनट तक स्लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। तो यहाँ पे बस 30 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए ये अच्छी तरह से पक चुका है, आप चाहे तो इसे और भी गाढ़ा कर सकते हैं। वैसे अगर आप कुछ देर बाद खाने वाले हैं तो ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने वाला है,
तो बस मैंने इसका गैस का फ्लेम बंद करके इसे सर्व कर लिया, और ऊपर से डाला थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ताकि इसकी गार्निशिंग हो, ताकि दिखने में और अच्छा लगे। और देखिए इसे मैं मिक्स करी तो ये और ज्यादा यम्मी लग रहा है। तो गाइस आप इसे अपने घर पे ट्राई जरूर करें, बहुत ही यम्मी, बहुत ही एकदम क्रीमी दाल मखनी की रेसिपी है। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ या राइस के साथ खा के इंजॉय कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।